जीवन को मुक्त करने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो, मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए कंपलसरी है तीन ऋणों से उऋण होना। और उन तीन ऋणों में से एक ऋण है पितृ ऋण। हमारे शास्त्रों में यहां तक कहा गया है भगवान की पूजा सेकेंडली करो, पहले पितरों को मना के रखो, क्योंकि पितर कृपा करेंगे तभी हमारा मन भी भक्ति में लगेगा, श्रद्धा में होगा, हमारा धर्म में श्रद्धा होगा। और पितरों को जब तक प्रसन्न नहीं किया जाएगा वो पितर हमारे घर में उथल पुथल मचा के रखते हैं, न तो फिर उथल पुथल होगी तो धर्म भी कहां होगा, कभी होगा कभी होगा। तो इसलिए पितर जिसके लिए हम लोगों को इस धरती पे लेके आए, उन पितरों के कल्याण के लिए हमको प्रयासरत होना चाहिए, स्पेशली उन 15 दिनों में, क्योंकि हमारे यहाँ की 1 साल और वहां का 1 दिन बराबर है। इसका मतलब है पितृपक्ष जब आते हैं तो आप प्रत्येक दिन अपने पूर्वजों को जल देते हैं, अन्न देते हैं, वस्तुएं देते हैं, सामग्रियां देते हैं, और वो जब इनको प्राप्त करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में खुशियां आती हैं, आनंद आता है, और जो जो आपको चाहिए होता है वो सब आपको प्राप्त होता है। अगर वो रुष्ट हो जाए तो वो गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए। और स्पेशली श्रीमद् भागवत कथा कहना तो बहुत दूर की बात है, अपनी भागवत कथा करवाना अपने पितरों के लिए, मूल पाठ बैठलवाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरे बच्चे कथा सुनने जा रहे हैं, इतना ही सुनते पितृलोक में पितर नाचने लग जाते हैं। मेरे बच्चे भागवत सुनने जा रहे हैं, इतना सुनते ही पितृपक्ष में पितर नृत्य करने लग जाते हैं। तो जब आप उनके श्रद्धा से, ऐसा नहीं कि चलो फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी नहीं, जब आप अपने पितरों के लिए भागवत कराएंगे, मूल पाठ बैठलवाएंगे, तो फिर तुम्हारे पितृ प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। और इस पितृपक्ष में हम दो कोशिश कर सकते हैं, एक तो मूल पाठ हो और दूसरा दैविक ऋण से भी ऋण हुआ जा सकता है। उन जिन जिन लोगों को पितृपक्ष में जो जिजमान बनेंगे, जिनकी भागवत की पोथी बैठेगी, उन उनके नाम से, पितरों के नाम से भी और उन लोगों के नाम से भी यहाँ पर यज्ञ किया जा सकता है, जिससे आप तुरंत देवताओं के ऋण से भी ऋण हो जाएं। तो दैविक ऋण से भी ऋण हो जाओगे और पितृ ऋण से भी ऋण हो जाओगे, तीसरी बात ऋषि ऋण से भी ऋण हो जाओगे। ऋषियों का भी ऋण रहता है, तो ऋषियों का ऋण क्या है, बोले जो उन्होंने शास्त्रों की रचना की है, ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों का आप अध्ययन करें। पर शास्त्र बहुत हैं, ग्रंथ बहुत हैं, व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, इसमें क्या करेगा। तो श्रीमद् भागवत 7 दिन सुने, इतने में ही उसका ऋण ऋषि ऋण उतर जाएगा। तो तीनों ऋणों से उतरने का सौभाग्य आपको पितृपक्ष में मिलेगा। तो आइए इस यात्रा को हम और आप प्रारंभ करते हैं, अपने तीनों ऋणों से ऋण होकर अपने कल्याण के उस मार्ग पर चलते हैं जहां से हमारे पितृ प्रसन्न हो, जहां से हमारे देवता प्रसन्न हो, और जहां से ऋषि भी प्रसन्न होकर हमें हमारे कल्याण के मार्ग पर जाने का आशीर्वाद दें।